بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفرغ المنع والجمود ولا يبديه الإعطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم سورہ کی آیت ہے قرآن مجید کا 42 سورہ سورہ شورہ ہے جو مقطعات سے شروع ہوتا ہے ہا میم عین سین قاف اور اس مبارک سورہ میں یہ ارشاد ہوا کہ جو دین کی کھیتی کا طلبگار ہو ہم اس کو اس کے مطالبے سے زیادہ دیتے ہیں اور جو دنیا کی کھیتی مانگے ہم اس میں سے بھی اس کو کچھ دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کیا یہ وہ لوگ
जिनके रुफकाए कार शरीयत बनाएंगे, क्या इनके अब ऐसे शुरका हो गए कि वो दीन में हक तशरी को अपने लिए वक्त समझेंगे। अम लहुम शुरकाउ शरउ लहुम मिनद्दीन मालम याजन बिल्ला, जिसका खुदा ने उनको इज्न नहीं दिया, खुदा से वो इज्न याफ्ता नहीं है, मगर क्या वो शरीयत साजी का काम करेंगे। लौला कलमतुल फसल, अगर फैसले का वक्त मुकर्रर न होता, अगर फैसले का दिन मुकर्रर न होता, अगर हम फैसले की तारीख का ऐलान न कर देते, लकुदया बैनहुम, तो वो अपना अंजाम भी देख लेते, उनका भी फैसला हो जाता, और जुल्म करने वालों के लिए तो दर्दनाक अजाब है। ये आयत का तर्जमा। इस मुख्तसर सी फुर्सत में, खुसूसन जबकि माह मुबारक रमजान करीब है और मेरे सामने मेरी तफसीर की तकरीरें हैं, जहां मैं सूरह बरात या सूरह तौबा की तफसीर कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना चाहता था कि चंद बातों को आप तक पहुंचा दूं। सबसे पहले यह है कि हुक्म हकीकत, हुक्म हकीकत में अल्लाह ही के लिए है। जंगे नहरवान में खारिजियों ने भी यही आवाज लगाई थी कि हुक्म अल्लाह के लिए, तो उस पर मेरे मौला आका अली इब्ने इरशाद फरमाया था, कलिमतु हक़ैन युराद बिहल बातिल, कलिमा हक है मगर मतलब गलत ले रहे हैं। कलिमा हक है कि हुक्म अल्लाह के लिए है, मगर ये जो मतलब ले रहे हैं ये बातिल है। कलिमतो हक़ैन युराद बिहल बातिल, ये कलिमा हक है, हुक्म अल्लाह ही के, मगर ये मुराद मुद्दा मफहूम इनका गलत। वो ये कहना चाहते हैं कि हाकिम ही अल्लाह हो। अमीन लोमीन के इस जुमले के फर्क को समझने की कोशिश की, वो कह रहे हैं हुक्म अल्लाह के लिए है जो सही है, मगर अमीर उम्मीन फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए तो तुम जैसा एक हाकिम लाजिम है, लाबुद लकुम मिन अमीर, तुम्हारे लिए एक हाकिम लाजिम है जो उस हुक्म को पहुंचाए। खुदा को पहुंचाए तुम्हारे लिए हाकिम लाजिम है। तुम कहते हो हुक्म अल्लाह के लिए, मैं भी कहता हूं हुक्म अल्लाह के लिए, मगर तुम कह रहे हो कि हाकिम भी अल्लाह हो, तो फिर इंसानों की क्या जरूरत है, इताअत की क्या जरूरत है, कोई तुम्हारा अमीर क्यों हो, वो भी अल्लाह ही बन जाए।
तो इसी पर नहरवान में वो मशहूर लड़ाई हुई थी जिसमें तकरीबन 10,000 खारिजी कत्ल किए गए या कुछ कमोबेश, और सिर्फ उनमें से 9 आदमी बचे, और अमीरुल मोमिनीन के लश्कर में से सिर्फ 9 आदमी शहीद हुए, और इसकी इत्तला जंग से पहले अली दे चुके थे। इस तरह से जंग होगी, अंजाम ये होगा कि मेरी तरफ से 9 आदमी मारे जाएंगे और उधर से 9 आदमी बचेंगे। सिर्फ इतनी सी बात कि एक कलमा है जो हक है मगर उसके माना गलत लिए जा रहे हैं। हुक्म अल्लाह ही के लिए है मगर हुक्म को पहुंचाए कौन, उस हुक्म की तशरीह कौन करे, उस हुक्म का शारह कौन बने, उस हुक्म को अपने अमल के सांचे में ढाल कर कौन पेश करे, उस हुक्म की तफसीर अपने अमल से कौन करे, जब तक कि वो मर्जी माबूद का नुमाइंदा न हो, जब तक कि वो मर्जी इलाही का नुमाइंदा न हो, उस हुक्म को पहुंचाए कौन। यहीं से इख्तलाफ शुरू हुआ, इख्तलाफ यहीं से शुरू हुआ। हुक्म अल्लाह के लिए हुक्म आया, पहुंचाए कौन, हुक्म पहुंचाए। वो दिन है और आज का दिन है, आज भी हम इसी उलझन में मुब्तला हैं, इसी उलझन में मुब्तला हैं कि इस शरह मुकद्दस का क्या होगा, इसकी तशरीह क्या होगी, इसकी तफसीर क्या होगी, इस पर अमल दरामद कैसे होगा, दुनिया किस इस्लाम को पेश करना चाहती है। हर तरफ जो इस्लाम इस्लाम की आवाजें बुलंद हैं उससे मुराद कौन सा इस्लाम है, यह एक मुअम्मा बना हुआ है कि जिस पर हम बरसों से गौर और फिक्र करते हुए आ रहे हैं। और अगर अभी आपको तजुर्बा नहीं हुआ तो 3-4 महीने के बाद आपको तजुर्बा हो जाएगा कि इस्लाम की सूरत क्या बनती है, खुद मालूम हो जाएगा कि इस्लाम की क्या बनती है, इस्लाम से मुद्दा क्या है। ऐसे घटाटोप अंधेरे में, ऐसी हैरान दुनिया में, ऐसी परेशान फिक्री के जमाने में मुझे सिर्फ एक मुख्तसर सा मारूजा करना है, और वो ये कि आप अपने यकीन को न बदलें। आपकी हद तक आपके यकीन में तगय्युर न होने पाए, आप जमात न बदलें, आप पार्टी न बदलें। आपने अगर दामन थामा है किसी का तो और मुस्तकिल हो जाइए कि अब हम और कयामत। आप समझ गए, अब जमाना इसी का है, हंगामा आराइयों में उलझने का वक्त नहीं है, न किसी से पूछने का वक्त है कि इस्लाम क्या होगा, किस इस्लाम को पेश करेंगे, किस इस्लाम को हमें लेना है। हमको जरूरत नहीं है, हम तो इस वक्त सिर्फ देख रहे हैं कि दुनिया क्या करवट ले रही है। मैंने नश्तर पार्क में रोजे विलादत मौलाए कायनात यौम अली के जश्न में इस अमर को वाज़ह कर दिया था कि हम बार बार पार्टी नहीं बदलते,
ये हमारी 1400 बरस की तारीख है। एक दामन को थामा है, उसी दामन को थामेंगे। और इसलिए नहीं बदलते, इसलिए नहीं बदलते कि पार्टी के वो अफराद हमारे मुंतखब करदा नहीं है, हमने उनको इलेक्ट नहीं किया है, इसलिए नहीं बदलते। उनको किसी और ने चुन के भेजा है, इसलिए हमने उन पर यकीन किया है, यकीन करते रहेंगे। और आपके इफाम व तफहीम के लिए अगर कोई आपको कोई समझाने के लिए ये कहे कि अब वक्त है अपने आप को बदलो, तो सिर्फ एक सवाल आपका वो ये कि अगर उन अफराद से बेहतर कोई अफराद मिले तो हम तैयार हैं अब भी अपनी राह बदलने के लिए। अगर उनसे कोई बेहतर अफराद आपको मिल जाए तो आपका इख्तियार है। मगर है ये कि अगर कुरान सच्चा है और अगर खुदा का रसूल सच्चा है तो कुर्बा वालों से बेहतर, मुबाहले वालों से बेहतर, तकहीर वालों से बेहतर दुनिया में न आज तक आए न कयामत तक आए। बस मैं ये चंद बातें चाहता था कि आप इसको महफूज करें। बात यह है कि हुक्म अल्लाह ही के लिए है, मगर उस हुक्म की तफसीर हो, तशरीह हो, ताबीर सिर्फ मर्जी माबूद का नुमाइंदा करे। ये गुफ्तगु हो गई। अब रह गया एक मसला कि अगर इजमाए मिल्लत हो जाए, अगर मुसलमान तमाम जमा हो जाए तो आप घबराएं नहीं, हम भी कबूल कर लेंगे इजमाए मिल्लत को अगर उसमें मासूम शामिल है। इजमाए मिल्लत को हम कबूल कर लेंगे अगर मालूम हो कि ये काशिफ है, मर्जी मासूम है, यहां से मासूम की मर्जी मालूम होती है तो हम कबूल करने को तैयार हैं। रिशाद व अमलहुम शुरकाउ शरऊ लहुम मिन अद्दीन मालम याजन बिल्लाह। बस इस जुमले को समझ लीजिए, खुदा ने इज्जत दिया है उनको जो शरा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, मगर खुदा ने तुम्हारे रुफकाए कार को इज्जत नहीं दिया है, तुम्हारे शुरका को इजाजत नहीं दी है कि वो शरा बनाए। इसलिए हर कसो नाकस शारे नहीं हो सकता, हर कसो नाकस हाकिम शरा नहीं हो सकता, हर कसो नाकस औला भी तसरुफ नहीं हो सकता, हर कसो नाकस उस अमारत की मंजिल पर नहीं आ सकता कि जहां अमीर को ये इख्तियार हो कि वो जो चाहे, जो चाहे हुक्म दे, जो चाहे मनवाए, जिस तरह से चाहे अपने तसर्रुफ को सर्व करे। हरकस और नाकस का काम नहीं है जब तक के इज्न इलाही न हो। मालम या जन बिल्लाह, जिसकी खुदा ने इजाजत नहीं दी वहां कोई शरा की ताबीर नहीं कर सकता, शारे नहीं बन सकता। इसलिए अजीजान ग्रामी, हमारे पास एक हकीकत है जो बहुत जरूरी आपके लिए है ताकि आप उसको याद रखें। वो ये कि खुद पैगंबर इस्लाम ने ये नहीं फरमाया, पैगंबर इस्लाम ने ये नहीं फरमाया कि शरा मैं बना रहा हूं,
शरा लकुम मिनद दीन, अल्लाह ने दीन में से तुम्हारे लिए शरीयतें बनाई। ये नूह है, ये इब्राहिम है, ये तू है, ये मूसा है, ये ईसा है, पांच उलुल अज़्म के नाम कुरान में लिए और कहा कि शरीयत तो अल्लाह ने बनाई, रास्ता दिखलाने वाला तुझको बनाया, हामिल शरीयत तुझको बनाया। तो पैगंबर इस्तिलाह में अगरचे शारे है मगर शरीयत साजी जात वाजिब के लिए है और उसने अपनी मर्जी का नुमाइंदा बना के पैगंबर के हवाले ये काम किया और कहा कि जाओ इशारा को। तो पैगंबर शरीयत लेकर आया और पैगंबर ये चाहता था कि इस शरीयत के मुहाफिज मासूम रहे, इसलिए एक सिलसिले इस्मत को कयामत तक छोड़ दिया ये कहकर कि इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, ये शरीयत है, ये शरीयत के मुहाफिज है। तो अब इस मंजिल पर ये याद रखिए कि खुद पैगंबर इस्लाम ने ये नहीं कहा कि मैं बना रहा हूं, अगरचे हलाल हलाले मोहम्मद है, छोटी छोटी बातें हैं समझ लीजिए, फुर्सत कम है मगर याद रखने की बातें, हलाल हलाले मोहम्मद है, हराम हराम मोहम्मद है, हलाल मोहम्मद कयामत तक हलाल है, हराम मोहम्मद कयामत तक हराम है, मगर पैगंबर ने अपनी मर्जी से किसी को हलाल और किसी को हराम नहीं कहा जब तक के इज्न रब नहीं आया। तो ऐसी सूरत में खुद पैगंबर कातम उस इख्तियार को सर्फ नहीं करते बल्कि शास्त्र मानते ये वही है, ये वही है और इस वही के साथ ये हलाल है यह, और जो हलाल और हराम को न माने वो अपने नफ्स पर जुल्म कर रहा और इन ज़ालिमीना लहुम अज़ाबुन अलीम, जुल्म करने वालों के लिए अजाब दर्दनाक है। तो एक तो ये है कि कोई हलाल मोहम्मद को न माने, हराम मोहम्मद को न माने, एक तो यह जुल्म, दूसरे कोई उस हलाल को छोड़ किसी और चीज को अपने लिए हलाल करे और यह कहे पैगंबर भी यही समझते थे, कोई और किसी चीज को हराम कर डाले और उसके बाद यह समझे कि पैगंबर का भी मंशा यही था, तो अपने मंशा को मंशाए पैगंबर बनाना यह जुल्म है। आप समझिए ये जुल्म है, इसलिए हर कदम पर हर आन हर गाम पर एहतियात की जरूरत है। आप उस दोराहे पर हैं जहां आपको और ज्यादा अपने यकीन की लौ बढ़ाने की जरूरत है कि यकीन और पुख्ता हो जाए, यकीन और कामिल हो जाए कि दुनिया एक तरफ यह घराना एक तरफ, इसलिए इख्तदार की मंजिल पर दुनिया जो चाहे करे। यजीद ने अपनी यहूदियत का ऐलान नहीं किया, यजीद ने अपने मजूस होने का ऐलान नहीं किया, यजीद ने अपने नसरानी होने का ऐलान नहीं किया, यजीद ने कहा मैं मुसलमान हूं, मैं कुरान पढ़ता हूं, मगर शहजादी ज़ैनब ने कहा कि तू आयतों को झुठला रहा है, तू ज़ालिम है। सुम्मा काना आक़िबत अल्लज़ीना सा'उ सू'अ अन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह व कानू बिहा यस्तहज़ऊन,
तू आयात इलाही को झुटला रहा है, मजाक उड़ा रहा है और इसकी बदतरीन सजा है। तो आपने देखा कि एक ऐसे इख्तदार को जहां बजाहिर कलमा पढ़ा जा रहा था, एक ऐसे दरबार में जहां बजाहिर मुसलमान बैठे हुए थे, एक ऐसे मजमे में जहां कुरान की तिलावत हो रही थी, मोहम्मद की नवासी तन्हा खड़े होकर ये कह रही है, अमिन अल अजल इब्न तुलका, ऐ आजाद कर दे रसूल की औलाद, ये तेरा अदल है, तकदीरों का हराइरक व इमात व सूक, के तेरी बेटियां तेरी बानियां तेरी कनीजें तो पर्दे में बैठे, वो बनाओ तो रसूल अल्लाह सबाया और रसूल की बेटियां बेपर्दा तेरे सामने खड़ी हो, आए आजाद कर दे रसूल की औलाद, ये तेरा आदल है। जब ये आवाज बुलंद हुई तो एक मर्तबा किसी ने पीछे से चादर को हटाकर दरबार में आने की कोशिश की, यजीद खड़ा हो गया, उसने देखा कि कनीज बाहर आ गई है, उसने अपनी हिदा डाल दी और कहा, तुझको शर्म नहीं आती कि नामहरमों के मजमे में चली आई? तो उसने आवाज दी, खाक पड़े तेरी इज्जत और नामों पर, मैंने अभी फातिमा जहरा को खाक में देखा कि वो चिल्ला के कह रही है, अरे मेरी बेटियां दरबार में आ गई। इलाही व सैयदी व मौलाया व रब्बी, खुदा बंदा हमको कामिल ईमान, हमारे हवाए जे दीनी और दुनियावी बर, हमको कोई गम न दे सिवा गम आले हम। एक मरतबा सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरह इखलास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा बंदा वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का, मरहूमा को जवारे मासूम अता फरमा, हमारे अमवात को बख्श दे, हमारे जिंदों पर रहम फरमा, ताजील फरमा दो।